हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इक्विटेड कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो आज हम इस वीडियो में एक जबरदस्त ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सीखने जा रहे हैं, और ये जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होगा ये होगा आपका बेस्ड ऑन ओपन इंटरेस्ट इंडिकेटर। ओपन इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो ये आपका एक पावरफुल इंडिकेटर या फिर टूल बोल सकते हैं, जो कि आपके ट्रेड को प्रॉफिटेबल बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और विदाउट ओपन इंटरेस्ट अगर आप कहीं पे भी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो आपको वहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगा। ये हमें काफ़ी हद तक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि मार्केट में अभी किसका दबदबा है, किसका स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रहा है, और उसके साथ अगर हम ट्रेड लेते हैं हमारा ट्रेड का एक्यूरेसी लेवल ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। तो चलिए यहाँ पे हम इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को सीखते हैं जो कि आपका है बेस्ड ऑन ओपन इंटरेस्ट। यहाँ पे हम चार्ट पे आ गए, और ये जो चार्ट है आपका बैंक निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट है 5 मिनट टाइम फ्रेम वाला। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं नीचे हमने ओपन इंटरेस्ट इंडिकेटर ऐड कर रखा है, ये है आपका ओपन इंटरेस्ट इंडिकेटर। अब ये इंडिकेटर आपको कहाँ पे मिलेगा, कहाँ पे आपको ये फ्री में एक्सेस कर सकते हैं, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इसके बेसिस पे जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है वो आपको समझने की जरूरत है। और एक और चीज ध्यान रखना है कि ओपन इंटरेस्ट जो इंडिकेटर आएगा वो आपको फ्यूचर्स में आएगा, नहीं जो स्टॉक्स एफएनओ में अवेलेबल है या निफ्टी और बैंक निफ्टी उसी में आपको ये दिखेगा। जो स्टॉक्स एफएनओ में अवेलेबल नहीं है उसमें ओपन इंटरेस्ट इंडिकेटर नहीं दिखेगा। ये इसका एक लिमिटेशन है, सिर्फ एफएनओ स्टॉक्स में ही और निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही काम कर सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे हमारा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या है, तो हमें ओपन इंटरेस्ट को सबसे पहले देखना है, और हमें ओपन इंटरेस्ट को वहाँ पे देखना जहाँ पे ये डिप लिया है, यानी लोअर लेवल पहुँच गया, यहाँ पे आया है और यहाँ पे आया है, तो इन दोनों जगहों पे हमें मार्क करना। जैसे ही हमें ओपन इंटरेस्ट में डिप दिखे हमें यहाँ पे ट्रेडिंग पोजिशंस लेने के बारे में सोचना है। पहला पॉइंट क्या है कि हमें जो ओपन इंटरेस्ट इंडिकेटर है उसमें हमें डिप दिखना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट करने के बारे में सोचेंगे। लेकिन इसके अलावा भी कंडीशंस है, क्या कंडीशंस है कि जब भी डिप आपको देखने को मिलता उसके बाद पहला कैंडल जो फॉर्म होता है उसके हाईएस्ट पॉइंट को मार्क करना है। अब जैसे ही कोई कैंडल इसके हाईएस्ट पॉइंट को ब्रेक करके ऊपर निकले और वहाँ पर अगर हमें स्ट्रेंथ दिख रहा है कैंडल में, तो हम यहाँ पर बाय साइड की तरफ ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट करेंगे। यानी इसके बाद जो आपका फर्स्ट कैंडल है, फर्स्ट कैंडल के हाई को ब्रेक करके प्राइस ऊपर निकलना चाहिए, तभी यहाँ पे हम फाइनल ट्रेडिंग पोजीशंस एग्जीक्यूट करेंगे। ये तीन कंडीशंस है जो कि आपको ध्यान रखना है, और इससे क्या होगा, हमारे ट्रेड का एक्यूरेसी लेवल इंक्रीज होगा। ये सारा कुछ रिसर्च करने के बाद कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई किया जाता है। अब देखिए, यहाँ पे प्राइस आपका डिप लिया है और यहाँ से ओपन इंटरेस्ट आपका ऊपर साइड की तरफ जा रहा, और ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज भी होना चाहिए। अगर डिप करने के बाद ओपन इंटरेस्ट आपका फ्लैट हो जाता है, इस कंडीशन में भी हमें ट्रेडिंग नहीं लेना, ट्रेडिंग अवॉइड करना है। यहाँ से ओपन इंटरेस्ट जो इंडिकेटर है उसका डायरेक्शन अपसाइड की तरफ होना चाहिए, यानी उसका जो डाइवर्जेंस, इसको हम बोलते हैं, उसका डाइवर्जेंस आपका अपसाइड की तरफ जाना चाहिए। अब यहाँ पे क्या कुछ हुआ है, यहाँ पे देखिए डिप लिया है, डिप लेने के साथ साथ इसका जो डाइवर्जेंस है वो ऊपर साइड की तरफ जा रहा है ओपन इंटरेस्ट का, और यहाँ पे हमने कैंडल को देखा, यहाँ पे आपका एक जबरदस्त स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हमें होता हुआ दिखा। अब हम क्या करेंगे, इसके हाईएस्ट पॉइंट को मार्क कर लेंगे। अब जैसे ही कैंडल इसके हाईएस्ट पॉइंट को ब्रेक करके ऊपर निकलेगा, यहाँ पे हम बाय साइड की तरफ ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट करेंगे, अगर कैंडल हमें स्ट्रेंथ दिखा तो। और इसके हम हाईएस्ट पॉइंट को अगर हम मार्क करते हैं तो देख सकते हैं ये जो कैंडल है, ये वाला ग्रीन कैंडल है, ये क्या किया, इसके हाईएस्ट पॉइंट को ब्रेक करके ऊपर निकला, इसके ऊपर क्लोजिंग भी दिया है। तो अगला कैंडल जैसे ही ओपन हुआ है, इस कैंडल पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बाय साइड की तरफ एंट्री लेंगे, यानी यहाँ पे हमारा जो एंट्री पॉइंट बनता हुआ दिख रहा है, ये जो कैंडल ओपन हुआ वहीं पे, और ये जो ओपन हुआ है आपका 43,200 के लेवल पे ये ओपन होता हुआ दिखा, यानी यहाँ पे हमारा जो एंट्री बनेगा 43,200 लेवल के आसपास बनेगा। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या रखना है, सबसे पहले यहाँ पे आपका एक रेंज बाउंड मूव दिखाया, तो इस रेंज बाउंड मूव के लोएस्ट पॉइंट को हम एसएल रख सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये फर्स्ट कैंडल का जो लोएस्ट पॉइंट है वो एसएल रखेगा, लेकिन फर्स्ट कैंडल का लोएस्ट पॉइंट को अगर हम एसएल रखते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड हमारे फेवर में आता हुआ नहीं दिखेगा, तो हमारा एसएल ये बनेगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो एसएल जो बनता हुआ दिख रहा है 43,124 के आसपास एसएल बनता हुआ दिख रहा है, यानी यहाँ पे जो हमारा एसएल बन रहा है 80 पॉइंट के आसपास एसएल बन रहा है। टारगेट प्राइस की बात करें तो प्रीवियस स्विंग है, ये हमारा टारगेट के रूप में काम करेगा। तो
तो अगर हम टारगेट की बात करें, इस कैंडल का जो हाईएस्ट पॉइंट है 43,350 के आसपास यहाँ पे हमारा टारगेट बन रहा है, 43,350। तो सारा कुछ यहाँ पे वेल कैलकुलेटेड हमें मिलता हुआ दिख रहा है। और टारगेट की अगर हम बात करें तो लगभग आपका 150 पॉइंट का टारगेट बन रहा है और एसएल 80 पॉइंट का बन रहा है। मतलब यहाँ पे रिस्क और रिवॉर्ड की अगर हम बात करें तो वो भी काफी हद तक हमारे फेवर में। तो जब भी हम इंट्राडे में ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट करते हैं तो आपको हमेशा रिस्क और रिवॉर्ड कैलकुलेट करना, ये हमारे फेवर में होना चाहिए, तभी हमें कंफर्ट देता है, तभी हम ट्रेड लेने के बाद ज्यादा पैनिक नहीं करते हैं। तो यहाँ पे सारा कुछ हमारा वेल कैलकुलेटेड है और देखिए मार्केट हमारे फेवर में गया और यहाँ पे लगभग हमें 150 पॉइंट का प्रॉफिट दिया, वो भी कहाँ पे, इंट्राडे में। तो इस स्ट्रेटजी के बेसिस पे आप चाहो तो इंट्राडे में भी ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हो। और बेसिकली यहाँ पे हम इंट्राडे में ही बात करें क्योंकि यहाँ पे जो हम टाइम फ्रेम ले रहे हैं वो 5 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट को देख रहे हैं और 5 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट को देखते हुए हम इंट्राडे ट्रेडिंग ही लेना प्रेफर करेंगे। तो देखिए सेम डे यहाँ पे हमने एंट्री लिया था लगभग 11:30 के आसपास और सेम डे मार्केट क्लोजिंग से पहले लगभग 2 PM के आसपास हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिलता हुआ दिख गया। तो बस जो कंडीशंस बताए वो कंडीशंस आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए दूसरा केस फिर से मुझे यहाँ पे मिला जहाँ पे OI में हमें यहाँ पे जबरदस्त डिप देखने को मिला, ये आपका OI इंडिकेटर है। तो ये आपका स्पेशली कब देखने मिलेगा, जब मार्केट आपका स्पेशली गैप अप हो या फिर गैप डाउन हो तभी हमें डिप देखने को मिलेगा। यानी यहाँ पे हमें अर्ली एंट्री लेने के बारे में भी मौका मिलता है, यानी मार्केट ओपन होने के साथ हमें ट्रेडिंग सेटअप क्या तैयार करना उसके बारे में मौका मिलता है। तो यहाँ पे भी नीचे आया और ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, मतलब इसका डाइवर्जेंस ऊपर साइड की तरफ जा रहा है। तो हमें यहाँ पे दूसरा कंडीशन क्या मार्क करना, पहले कैंडल के हाइएस्ट पॉइंट को मार्क करना, ये इसका हाइएस्ट पॉइंट बन गया और प्राइस जैसे इसके ऊपर निकलेगा हम बाय साइड की तरफ ट्रेडिंग पोजिशन इनिशिएट करेंगे। और देखिए अगला ही कैंडल इसके ब्रेकर को ऊपर निकल गया, तो यहाँ पे हम अगला कैंडल के क्लोजिंग पे ही बाय साइड की तरफ क्लियर कट यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं, या फिर जो तीसरा कैंडल ओपन हुआ वहीं पे हमारा एंट्री पॉइंट बन जाएगा, यानी इस लेवल के आसपास एंट्री पॉइंट बनेगा और ये हमारा लोएस्ट पॉइंट बनेगा। अब अगर ये SL आपको बिग लग रहा है तो प्रीवियस डे का जो भी यहाँ पे क्लोजिंग है इसको भी आप SL के रूप में रख सकते हैं। SL में थोड़ा बहुत आप मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं और ये मॉडिफिकेशंस आप कैसे सीखेंगे, जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस आएगा वैसे वैसे यहाँ पे आप मॉडिफिकेशंस सीखते जाएंगे। और यहाँ पे हम ट्रेलिंग SL के साथ कंटिन्यू करते चलेंगे क्योंकि प्रीवियस स्विंग हाई भी हमारा इसी लेवल के आसपास दिख रहा है, रेजिस्टेंस लेवल भी है। तो यहाँ पे इसको ब्रेकर के ऊपर निकला है और ऑल द वे देखिए आपका एक साइकोलॉजिकल लेवल मिल गया 43,500, इसके आसपास हम ट्रेलिंग SL रखेंगे या फिर प्रॉफिट बुक करेंगे और यहीं से प्राइस आपका नीचे आना शुरू हो गया। यानी एनी हाउ यहाँ पे हमें 100 पॉइंट का प्रॉफिट आसानी से मिलता हुआ दिखा और यहाँ पे आप चाहो तो ऑप्शंस में भी ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। 43,350 जो भी आपका इन द मनी बनता हुआ दिख रहा उसका आपको कॉल ऑप्शंस बाई करना 43,350 या फिर 43,300 के आप कॉल ऑप्शंस को यहाँ पे आसानी से बाई कर सकते हो। अब मैं आपको बता देता हूँ ये जो आपका ओपन इंटरेस्ट इंडिकेटर है इसका आप फ्री में इस्तेमाल कहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपको इसको फ्री में यूज करना है तो धन के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में ये आपको फ्री में एक्सेस हो जाएगा, फ्री में अवेलेबल है, वहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास धन में ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट है तो आप चार्ट ओपन कीजिए और ओपन इंटरेस्ट इंडिकेटर को ऐड कर सकते हैं इंडिकेटर सेक्शन में जाके। अगर आपके पास धन में ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उस लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से धन में अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए भी कोई चार्जेस नहीं पे करना पड़ेगा और उसके साथ साथ ओपन इंटरेस्ट इंडिकेटर आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा ट्रेडिंग व्यू का जो आपको पूरा प्रीमियम फीचर है वो भी आपको फ्री में यहाँ पे मिलता हुआ दिख जाएगा। बाकी ओपन इंटरेस्ट इंडिकेटर बहुत कम ब्रोकरेज फॉर्म आपको प्रोवाइड करते हैं और जगह आपको नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया ये मिलेगा कहाँ पे। तो ऐसे ही आपको ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट करने की जरूरत है। अब यहाँ पे कुछ मैं आपको एक्सेप्शन दिखाता हूँ जहाँ पे इसको इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे इस केस में देखिए यहाँ पे भी आप मैं डिप देखने को मिला और यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट आपका इंक्रीज होता हुआ जा रहा है, यानी डाइवर्जेंस अपसाइड की तरफ है। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट कैंडल के हाईएस्ट पॉइंट को मार्क करेंगे, इसके ऊपर प्राइस गया है लेकिन सिर्फ कुछ सेकंड के लिए या कुछ मिनटों के लिए गया, फिर से नीचे आ गया, इसके ऊपर प्राइस में हमें स्ट्रेंथ नहीं दिखा है और प्राइस आपका नीचे आना शुरू हो गया। यानी यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग पोजिशन अवॉइड करेंगे क्योंकि ओपन इंटरेस्ट ऊपर जा रहा प्राइस नीचे आ रहा, मतलब यहाँ पे हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा है और यहाँ पे हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे। ऐसे आपको जब भी कंडीशंस को सपोर्ट नहीं करे तो हमें ट्रेडिंग नहीं करना। जैसे यहाँ पे भी हमें डिप देखने को मिला है, यहाँ पे अगर हम फर्स्ट कैंडल के हाई को देखें, हाई मार्क कर लिए, प्राइस इसके ऊपर नहीं गया, तो यहाँ पे हम ट्रेडिंग अवॉइड करेंगे। तो
कब आपको ट्रेडिंग लेना, कब आपको ट्रेडिंग अवॉइड करना, ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। वैसे ही मल्टीपल एग्जांपल आपको निफ्टी में भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए हमें डिप देखने को मिला और इसके बाद थोड़ा सा डाइवर्जेंस इसका अपसाइड की तरफ है, तो यहाँ पे हम इसके हाईएस्ट पॉइंट को मार्क करेंगे, प्राइस इसके ऊपर निकला, यहीं पर हम बाय साइड की तरफ ट्रेडिंग पोजिशन इनिशिएट करेंगे। यहाँ पे ये जो लोएस्ट पॉइंट है इसका एसएल के रूप में काम करता हुआ दिख जाएगा, फिर प्राइस यहाँ से आपका ऊपर साइड की तरफ गया है। यहाँ पे हम आसानी से इंट्राडे में प्रॉफिट बना सकते हैं, चाहे आप फ्यूचर्स में बना लो या फिर ऑप्शंस बना लो। और एक और चीज ध्यान रखना, बार बार बता रहा हूँ कि आपको सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर्स वाले चार्ट में ही मिलेगा, जो स्टॉक्स एफएनओ में अवेलेबल है उसका फ्यूचर्स का चार्ट ओपन करना होगा, तभी ओपन इंटरेस्ट इंडिकेटर आपको मिल पाएगा। और यहाँ पे भी देखिए ये एक्सेप्शन है, इस कैंडल के हाईएस्ट पॉइंट को ब्रेक नहीं किया, डिप देखने को मिला, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग अवॉइड करेंगे। तो ऐसे ही आपको क्लियर कट यहाँ पे पता चल जाएगा कि कब हमें ट्रेडिंग लेना, कब ट्रेडिंग अवॉइड करने की जरूरत है। उम्मीद करते हैं ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, लेकिन ये आपके ट्रेड का एक्यूरेसी लेवल इंक्रीज करेगा, प्रॉफिट बनाने में हेल्प करेगा। तो इसी तरह के हम सिंपल कंटेंट आपके लिए लाते रहते हैं जो कि आपको ट्रेडिंग में हेल्प करेगा। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।